हेलो, आप जानती हैं क्या कुछ मेरी इंटरनेट वाली दोस्त के बारे में? वो मुझे ये बताना था, वो एक्चुअली ये क्या कर रही हैं आप? हत्या। आप जय को नहीं बता सकती? अगर उसे पता चल गया कि मैं मुंबई में हूँ तो? क्यों नहीं बता सकती? अरे आप समझ नहीं रही हैं, नहीं बता सकती बस। मतलब मेरा क्या सही था? तुम वही हो ना इंटरनेट वाली फ्रेंड, तुम उसे बता क्यों नहीं रही हो? मैंने कहा ना बस नहीं बता सकती। तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें कोई ऐसे पागलों की तरह ढूंढ रहा है। मैंने कहा ना बस नहीं बता सकती। लेकिन तुमने तो सब कुछ बता दिया आद्या। तो मुंबई क्या, दुनिया के अगर किसी भी कोने में होती ना तो मैं तुम्हें ढूंढ लेता। ढूंढ लिया ना, वेरी गुड। लेकिन अब एक बात मेरी भी सुन लो। आद्या, मेरी बात सुनो। ना ही मुझे तुमसे कोई बात करनी है और ना ही मुझे तुमसे मिलना है, तो तुम मुंबई आने की सोचना भी मत। आद्या मेरी बात तो सुनो। आई नो आई एम वेरी गिल्टी, सब कुछ गलती मेरी थी, सब मेरी वजह से हुआ। तुम प्लीज मेरी बात तो सुनो। चुप, एकदम चुप। ना ही मुझे तुम्हारी कोई सॉरी सुननी है, ना ही तुमसे बात करनी है। आद्या, तुमने तो चिल्ला दिया, पर क्या सुनेगा वो तुम्हारी? जय, तू क्या कर रहा है यार? तू मुझे एक बात बता, इतने बड़े शहर में तू आद्या को कैसे ढूंढेगा? एक दिन में पता लगा लिया ना कि इंडिया के कौन से शहर में वो, तो ये भी पता लगा लूंगा कि उस शहर के कौन से कोने में है आद्या। ब्रो मैं आया, एक मिनट। रूपा आंटी को पता चल गया ना तो पक्का वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करी। अरे वो लॉक डोर, वो लॉक। हेलो, मेरी साउंड सुनाई दे रही है? अरे मैं रूपा, मुझे किसी ने बाथरूम में बंद कर दिया है, डोर खोलो। जल्दी चल, जल्दी चल। एक सेकंड। हाँ, ये दरवाजा कौन खटखटा रहा है? अरे वो होगा कोई यार, अभी तू चलना यार, फ्लाइट मिस हो जाएगी यार। ऑलरेडी हम लोग लेट हो गए, समझ नहीं रहा बात को। दादू डिक्की खोलो, मैं किसी काम से मुंबई जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, अच्छे से जाना और जल्दी से वापस आ जाना, और सुन फोन जरूर करना। जी फोन कर दूंगा पहुंचते ही, टेंशन ना लो। एक सेकंड, मैं अंदर से आया। अबे अंदर कहाँ जा रहा है? मैं मुंबई जा रहा हूँ, मॉम को तो बताया नहीं। क्या क्या, तू आंटी को बाद में बताया, तू फ्लाइट में जब बैठेगा तो वहां से कॉल कर रहा है। समझ मेरी बात यार, फ्लाइट मिस हो जाएगी। दादू तो मैं मुंबई जा रहा हूं, मैं बता दूंगा। अरे वो पता चल जाएगा तू कौन सा हमेशा के लिए जा रहा है। जल्दी जा, फ्लाइट मिस हो जाएगी यार। बाय बाय दादू, बाय 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 बेटा, बाय बाय बाय। अरे जय, जय, अरे जय, लिसन बेटा, डोंट हु डोंट, अरे डोंट गॉड गॉड। दादाजी वो आप बुरा मत मानिएगा, बट मैंने ना बाश बेटा, ये तूने बड़ा अच्छा काम किया, अब बाकी मैं सब संभाल लूंगा। सुपर दादाजी, वो मुझे एक कॉल करना है, तो मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलूं। हाँ बेटा। ओके। रूपा को बंद करके टीके ने बहुत अच्छा काम किया। अगर रूपा यहाँ होती ना तो जय को कभी जाने नहीं देती, है ना? सो मच पापड़ मिले, माउंटेन तोड़े, तुम सबको तंग करती हो ना, आज थोड़ा तुम्हें भी तंग करा जाए। हेलो, अरे मैं रूपा, मुझे किसी ने बाथरूम में बंद कर दिया है।
क्यों बताया तुमने उसे? मैं नहीं चाहती थी उसे पता लगे, मैं इसलिए अवॉइड करी थी उसे। पक्का? जब भी हम अपने किसी खास से गुस्सा हो जाते हैं ना, तो मन में एक विश जरूर होती है कि वो आके हमें मनाए। अरे नहीं नहीं, मेरा खास दोस्त नहीं है, वो तो सिर्फ एक रैंडम फ्रेंड है। लायर, जब भी उसका नाम आता है तो तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। कोई अंधा भी देख के बता देगा कि तुम उससे कितना प्यार करती हो। ओह नो, तुम तो इमोशनल हो गई। चक्कर क्या है तुम्हारा? मतलब तुम दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम चल रही है? इट्स ओके ना दिया। अरे मेरी बात समझो तुम, मैंने उसे कुछ नहीं बताया, कोई इन्फॉर्मेशन एज सच मैंने नहीं दी है उसे। अरे मैंने तो बस उसे वो टिकट लेने में थोड़ी सी मदद कर दी थी यार, और कुछ नहीं। दिया ट्रस्ट मी, मैं जो बोल रहा हूँ ना तुम एक बार सुन लो। जय और आध्या को मिलने से ना कोई नहीं रोक सकता। वे आर गोइंग जय? आई कॉल यू बैक। कहाँ की फ्लाइट लिया उसने? नो लुकिंग टॉकिंग, फास्ट फास्ट बताओ जय कहाँ है। आई एम सॉरी बट आपने ना पूछने में थोड़ी सी देर कर दी। जय तो अभी तक शायद मुंबई पहुंच भी गया होगा। जय और आध्या को तो कोई एक दूसरे से अलग कर ही नहीं सकता, क्योंकि जय ना आध्या से बहुत ज्यादा प्यार कर। अंडरस्टैंड, उस पालिका बाजार की चप्पल का जय से नो लेना देना। मेरे बेटी की लाइफ में उसका कोई रिटर्न टिकट नहीं है, नेवर एवर। गुड इवनिंग मुंबई, वेलकम टू 104.8 इश्क एफएम। आप सोच रहे होंगे आवाज आरजे ध्रुव की तो है नहीं। जी हाँ, तो यस, ये आवाज है दिल्ली के सबसे फेमस आरजे, आरजे जय की, फ्रॉम इंटरनेट वाला लव। आप सबको याद होगा कि आज सुबह आपने एक लड़की की आवाज सुनी थी जो कि कह रहा था कि मैं अपनी इंटरनेट वाली फ्रेंड को ढूंढ रहा हूँ। जी हाँ, वो जय मित्तल मैं ही हूँ, और मैं आ गया हूँ मुंबई अपनी इंटरनेट वाली दोस्त को ढूंढने। तो अगर आप सबको मेरी दोस्त के बारे में पता लगता है तो प्लीज मुझे कॉल कीजिए मुंबई वाले नंबर पे एंड लेट मी नो, आई एम वेटिंग। वाओ मैन, एक लड़का एक लड़की के लिए इतना पागल कैसे हो सकता है? सीरियसली, इतना डेडिकेशन है ना इस लड़के में। एक दिन में इसने लोकेशन पता कर ली, एंड आई एम श्योर कि एड्रेस भी ढूंढ ही लेगा। इसके लिए ना कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं लग रहा मुझे। आई एम टेलिंग यू गाइस, ये दोस्ती नहीं, ये प्यार है, और दोस्ती में ऐसा कोई कुछ नहीं करता।
सिर्फ गोरी लड़कियों की फोटो भेजी है लोगों ने, एक भी कायदे की इंफॉर्मेशन नहीं है। हेलो हेलो कायरा, हाय जय दिस साइड। हाँ जय, एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से मुझे अपनी फ्रेंड की लोकेशन पता चली, पर एड्रेस अभी भी नहीं पता। क्या तुम प्लीज उससे मेरी बात करा सकते हो, क्योंकि वो मेरा फोन तो उठा नहीं रही है। प्लीज। हाँ मैं अभी बात कराती हूँ, एक मिनट। थैंक यू सो मच। ओके तो मैं आता हूँ। जय का फोन है, रहने दो, मुझे मुझे बात नहीं करनी उससे। एक बार बात कर लो, नहीं मानेगा, बहुत जिद्दी है यार ये। जी मैंने कहा ना, मैं गुस्सा हूँ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तुम बहुत ही घटिया और चीप इंसान हो, इट्स ओवर, मेरी आंखों के आगे कभी मत आना, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें जो बोलना है ना तुम बोल लो, लेकिन आध्या वर्मा आई डोंट केयर, समझ आई बात? और दूसरी बात सुनो, मैं मुंबई में हूं और तुम्हारे पास तीन घंटे में आके मुझे मिलो, और अगर तुम मुझसे नहीं मिली तो मैं तुम्हारी आइडेंटिटी सोशल मीडिया में वायरल कर दूंगा। ओके? नहीं जय, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। जय मैं आध्या वर्मा, आई एम द जय मित्तल, मैं कुछ भी कर सकता हूं। ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, तो बस तीन घंटे हैं तुम्हारे पास, जल्दी से आओ और मुझसे आके मिलो, वरना जो होगा उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूंगा। समझ आई बात? चाहे तुम आई विल सी यू। हेलो नहीं रहने देते तो मुझे अकेला क्यों कर रहे हो ये सब? आत्या? हाँ, ये तुम्हारा फोन। मुझे लगा था कि तुम दोनों में नॉर्मल नोकझोंक है, इसीलिए मैंने जय को फोन करके बताया, पर शायद ये रिलेशन जितना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए उतना पेनफुल भी है। तुम घर जाओ, यहां रुकोगी तो सब लोग शक करेंगे तुम पे, बातें बनाएंगे, और हो सकता है कि कोई जय को फोन करके ये बता दे तुम यहां पे जॉब करती हो। हे भगवान जी, प्लीज आज बस जय से सामना ना हो मेरा। कैसे भी करके बस एक बार मेरे सामने आ जाओ आत्या, मैं तीन घंटे वेट नहीं कर पाऊंगा, मुझे अभी मिलना है तुमसे।
मुलगा उठ, इधर क्या सो रहा है? ये सोने का जगह है क्या? क्या हुआ? तेरे चेहरे पे तो बहुत 12 बजे हैं। वो मैं किसी को ढूंढने आया हूं इस शहर में, पता नहीं वो कहां है, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा। ये मुंबई है बेटा, माया नगरी, सपनों की नगरी। यहाँ पे हर कोई सपना लेकर आता है और सबका पूरा भी हो जाता है, बस तू हिम्मत मत हार, डटा रहना, जरूर मिलेगी, मेरा आशीर्वाद है। हैं? मिलेगी जरूर। हादिया, मिलना तो तुम्हें मुझसे पड़ेगा ही, इतना कमजोर ना मैं हूँ और ना ही मेरा भरोसा जो इतना जल्दी गिव अप करते। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.